हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एनालिटिकल हब। जैसे कि कल हम पढ़ रहे थे इंटरप्रिटेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रा, तो मैंने कल आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी, जैसे है मेटास्टेबल आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस, फ्रेगमेंटेड आयंस, बेस पीक, आइसोटोप पीक, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको बेसिक बेसिक नॉलेज आपको मैंने कल दे दिया था, जिससे हम मास स्पेक्ट्रा की स्टडी कर सके, ये बताया था कल। कल मैंने ये भी बताया था कि जिस स्पीशीज़ की अबंडेंस हमारे सैंपल में ज़्यादा होगी, उस स्पीशीज़ की हाइट मास स्पेक्ट्रा में सबसे ज़्यादा मिलेगी, और आइसोटोप की जो हाइट होगी पीक की वो कम मिलेगी, क्योंकि उनकी अबंडेंस हमारे सैंपल में कम होती है एज वेल एज़ नेचर में भी कम होती है। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी कहा, आज उसको हम और डिटेल में और अच्छे से सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने आज बना लिया है बेंजामाइट का फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। बेंजामाइड का फ्रेगमेंटेशन मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल समझाने में भी बनाया था। मैंने वही एग्जांपल फिर उठाया है, जिससे आपको और इजीनेस होगी इस एग्जांपल को देख के स्पेक्ट्रा ड्रॉ करने की, ठीक है। हमारा आज मेन मोटिव होगा कि स्पेक्ट्रा कैसे ड्रॉ किया जाए, ठीक है। देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बेंजामाइड बनाया है, तो अब मैंने ये कहा था कि जब भी किसी मॉलिक्यूल पे हम इलेक्ट्रॉन बीम डालेंगे, ये इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम हम डालेंगे तो मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। ये मॉलिक्यूलर आयन है, ये जो मॉलिक्यूलर आयन होगा वो अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से उनके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। तो ये सारे फ्रेगमेंट्स बन गए हैं यहाँ पे। अब हमें ये फ्रेगमेंटेशन पैटर्न में है हमारे पास, और हमें इस फ्रेगमेंटेशन पैटर्न को देख के स्पेक्ट्रा बनाना है, मास स्पेक्ट्रा बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ये है हमारा मेन मोटिव, देखते हैं। चलो, जैसे कि ये बेंजामाइड है, तो बेंजामाइड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 121, ठीक है। जब हम इस पे इलेक्ट्रॉन बीम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये मॉलिक्यूलर आयन में बदल गया। जब मॉलिक्यूलर आयन में बदला तो इनमें इस बेंजामाइड में से ना कोई आयन, ना कोई स्पीशीज़ एलिमिनेट हुई, ना कोई ऐड हुई, तो मॉलिक्यूलर वेट m बाय जेड में मॉलिक्यूलर मास जो है वो एज इट इज़ रहा, पर चार्ज, z मतलब चार्ज, वो है प्लस, प्लस वन ही आएगा, तो ये 121, ठीक है। दूसरी बात, फिर मैंने ये भी बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि मॉलिक्यूलर आयन्स जो है वो अनस्टेबल होते हैं, तो वो फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं, ये है उनके फ्रेगमेंट्स, ठीक है। मान लिया मैंने कि इस मॉलिक्यूलर आयन में से सिर्फ NH2 अलग हो गया, तो जब NH2 अलग हो गया तो बना क्या, 105 का कौन सा स्पीशीज़ बन गई हमारी, ये वाली स्पीशीज़ बन गई, ठीक है। फिर इसी स्पीशीज़ में से CO एलिमिनेट हो जाए तो ये वाली स्पीशीज़ बन जाएगी। पॉसिबिलिटी तो काफ़ी सारी हो सकती है एलिमिनेट होने की। अगर CONH2 रह जाए पर ये फिनाइल वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाए तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमने सबके मास कैलकुलेट करके और उनकी m बाय z वैल्यू मैंने लिखे नीचे लिख रखी है, देखिए बराबर। अब हमें ड्रॉ करना है इसका स्पेक्ट्रा। तो देखिए, मास स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं हम परसेंटेज ऑफ बेस पीक या परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस वर्सेस मास अपॉन चार्ज रेशो के बीच में हम ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक। अब आगे देखें, अब जैसे ही हम ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे आगे जाएंगे तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, ये भी आप सब जानते हो, मतलब 0, 1, 2, 3 ऐसे काफ़ी अनलिमिटेड हो सकता है, मतलब नंबर्स तो कुछ भी हो सकते हैं। तो मतलब राइट साइड पे जाने पर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, तो इन सब में से सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है, मॉलिक्यूलर आयन का। तो ये मैंने मॉलिक्यूलर आयन की पीक बना ली, देख लीजिए ये, ठीक है। इसको मैंने कह दिया कि ये m प्लस है, m प्लस आयन की पीक है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 121, ये बना लिया मैंने। फिर उसके बाद 121 से कम कौन सा है, 105, ठीक है। तो 121 से कुछ इधर, ठीक है, 10 ये वाला, ये वाली स्पीशीज की ये पीक है, जिसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 105 है, ठीक। अब आगे, इसके बाद इसमें से CO एलिमिनेट हो गया,
तो क्या बना, 77 वाला कुछ बना है स्पीशीज, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 77, ये लिख लिया। यहां से फिनाइल एलिमिनेट अगर हो गया तो क्या बना था, 44, जिसका ऐसी स्पीशीज जिसका मॉलिक्यूलर वेट 44 है, ठीक है, वो भी बना लेते हैं। ठीक है, 44 ये बन गया। अब आप कहेंगे कि आपने ये जो डायग्राम बनाया है, ये जो ग्राफ बनाया है, उसमें मॉलिक्यूलर आयन की हाइट छोटी क्यों रखी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये बड़ी और ये छोटी ऐसा क्यों है। तो ये सारा जो डेटा मैंने ग्राफ बनाया है, ये एक्सपेरिमेंटली फिक्स्ड है और प्रूफ हो चुका है कि ये ऐसा ही ग्राफ होगा। क्यों होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मॉलिक्यूलर आयन की पीक 100 में से 98% केसेस में छोटी ही होगी उसकी हाइट। क्यों छोटी होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर आयन अनस्टेबल होता है, और जो अनस्टेबल होता है वो हमारे सैंपल में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, और वो फ्रेगमेंट में चेंज हो जाएगा, और जो ज़्यादा टाइम तक रह नहीं सकता उसकी पीक टॉल कैसे आएगी, ये एक। तो इसलिए मॉलिक्यूलर आयन की पीक 100 में से 98% केसेस में छोटी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बड़ी नहीं हो सकती, ऐसे भी केसेस है जिसमें मॉलिक्यूलर आयन पीक सबसे टॉल होती है। आगे चले, फिर हमने देखा कि 121, तो ये हो गया। उसके बाद इधर आइए, 105 वाली स्पीशीज जो है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 105 है, वो ये रहा, ठीक। अब ये देखिए, ये कैसे बना, जब इसमें से NH2 चला गया तो हमें ये स्पीशीज मिली। फिर यहाँ पे आ जाइए, फिर हमारे 77 और उसके बाद ये, तो इसमें से सबसे जो टॉल पीक है उसका मतलब क्या होता है, कल भी मैंने बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि जो भी पीक मास स्पेक्ट्रा में सबसे ज़्यादा लंबी होगी उसका अमाउंट हमारे सैंपल में और नेचर में सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए उसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए, अभी हमने ये सीखा कि फ्रेगमेंटेशन पैटर्न को देखकर मास स्पेक्ट्रा कैसे ड्रॉ करते हैं। अब हम सीखेंगे आइसोटोप स्टीरियोटाइपिंग प्लस हम देखेंगे सिग्नेचर पीक्स, ये दो चीज़ें हम सीखेंगे। देखिए कैसे, इसे आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, मैं इसी में आपको आइसोटोप स्टीरियोटाइपिंग सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, इसी में। देखिए, आइसोटोप क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो पर एटॉमिक मास डिफरेंट हो, ऐसा होता है, ठीक है। जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो पर एटॉमिक मास सेम हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा C12 और C13, इनके एटॉमिक नंबर तो सेम है पर एटॉमिक मास अलग अलग है, देख लीजिए। तो हम ये कह सकते हैं कि C13 आइसोटोप है C12 का, यही हम कहते हैं, बराबर। तो मान लीजिए कि इस बेंजामाइट का, हमारा जो हम जो सैंपल लेंगे बेंजामाइट का, उसमें एक मॉलिक्यूल बेंजामाइट का तो कभी नहीं होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। मान लीजिए उसमें से किसी एक स्पीशीज पर कार्बन C12 नहीं है, C13 है, ये मैंने मान लिया, और ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18, ठीक है, ये भी आइसोटोप है। तो मैंने ये मान लिया कि किसी स्पीशीज पे ऑक्सीजन 18 है, ये मान लिया। तो फ्रेगमेंटेशन जब पैटर्न होगा इनका, तो यहाँ पे ये 13 ही रहेगा, ये 18 रहेगा। जब ये NH2 एलिमिनेट हो जाएगा तो 13, 18, ठीक है, 18, इस तरह से होगा, ठीक। अब देखिए, इस तरह से फ्रेगमेंटेशन पैटर्न तो सिमिलर ही होगा, बस यहाँ पे स्पीशीज आइसोटोप वाली है। तो उनका ग्राफ कैसे होगा, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में ग्राफ कैसे होगा इन लोगों का, मतलब आइसोटोप को हम कैसे प्लॉट करेंगे। देखिए, हम ये जानते हैं कि जो आइसोटोप होते हैं उनकी कंसंट्रेशन नेचर में बहुत कम होती है,
ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप H1 100% है, तो उसके दूसरे वाला जो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है वो 0% में आते हैं, 0.03 ऐसे कुछ परसेंटेज में हो सकते हैं, ठीक है। 0. एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं मुझे, पर जैसे कि हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है उनकी वैल्यू नेचर में कम ही होती है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, मैंने ये कहा कि इनकी वैल्यू कम है, तो अब हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर आयन पीक ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ करी M+, ठीक है। ये किसकी है, ये इस मॉलिक्यूलर आयन की पीक है, इस मॉलिक्यूलर आयन की ये पीक है। लेकिन अगर C13 और O18 होता इसके अंदर तो हमें 121 से कुछ ज़्यादा मिलता, मतलब उसका एटॉमिक वेट 121 से ज़्यादा होता, तो यहाँ मिलेगी पीक यहाँ पे। पर छोटी क्यों, क्योंकि ये जो स्पीशीज़ है आइसोटोपिक स्पीशीज़, इनकी नेचुरल अबंडेंस कम होती है। इसी तरह से अगर C13O18 होता तो भी C105 से कुछ इस साइड मिलती पीक, ठीक। इसी तरह ये इसमें तो कुछ नहीं, इधर आ जाइए, ये होता तो इस तरफ कुछ पीक मिल जाती है आपको, ठीक है। ये जो छोटी पीक है ये पीक बताती है कि हमारे सैंपल में आइसोटोप्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। पर छोटी इसलिए है क्योंकि उनकी अमाउंट कम है, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, जैसे मैंने कहा था कि हाइड्रोजन का नेचुरल अबंडेंस अगर 99.98 है या 100% है अप्रॉक्सीमेटली, तो ड्यूटेरियम का जो नेचुरल अबंडेंस है वो कितना होता है, 0.016। ये कल मैंने लिखा था, याद आ गया है मुझे, अब ये भी लिख लीजिए, ठीक है। यही होता तो आइसोटोप, मैंने ये कहा कि आइसोटोप का नेचुरल अबंडेंस कम होता है इसलिए उनकी पीकेआई छोटी होती है, ये लिख लिया, ये भी आप उतार लीजिए, ठीक है, ओके। देखिए आपने स्पेक्ट्रा जब देखा होगा मास स्पेक्ट्रोमीटर का, तो आपने देखा होगा कि पीक पे M कभी M लिखा होता है, कभी M+1 लिखा होता है, ऐसा भी लिखा हो सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे, देख लीजिए आप इसको पहले उतार लीजिए, फिर हम मैं रब करके आगे समझाता हूँ, ठीक है। चलिए ये ठीक, अब देखिए मान लीजिए मेरे पास आइसोटोप है ऑक्सीजन का O16 O18, सल्फर के आइसोटोप है 32 33 34, ठीक है। और किसका आइसोटोप है मेरे पास, मैं ले लेता हूँ कार्बन C12 और C13, ये है मेरे पास। और मैं ले लेता हूँ ब्रोमीन भी है मेरे पास आइसोटोप में 79 और 81। मेरे पास कोई सैंपल है जिसके अंदर ये आइसोटोप्स प्रेजेंट है, ये सारे आइसोटोप्स प्रेजेंट है मेरे पास। मेरे पास कोई भी सैंपल है, मान लीजिए आपके पास सैंपल है जिसके अंदर ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, कार्बन भी है और ब्रोमीन भी है, ठीक है। आइसोटोप है उसके अंदर, उसके आइसोटोप्स भी प्रेजेंट है, ठीक है, ये मान लीजिए आप। तो आप इसका प्लॉट कैसे ड्रॉ करेंगे ये अब हमें सीखना है, ठीक है। तो ये बनाए M/Z वैल्यू परसेंट ऑफ बेस पीक, ये यहाँ पे आया, ठीक है। अब हमें ड्रॉ करना है, तो देखिए यहाँ से यहाँ पे जाने पर, मतलब ओरिजिन से राइट साइड में जाने पर एटॉमिक वेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक वेट किसका है, ब्रोमीन 81 का। लेकिन ये
किसका आइसोटोप है? ब्रोमीन का। तो सबसे पहले हम ब्रोमीन की पीक बनाएंगे, क्यों? क्योंकि ये नेचर में ज़्यादा प्रेजेंट होती है, ऑलमोस्ट 100% अगर ब्रोमीन प्रेजेंट है तो मैंने सबसे पहले बना लिया ब्रोमीन का पीक, ये बना लिया और लिख दिया ब्रोमीन 79, ठीक है। अगर मैं ब्रोमीन को M मान लेता हूँ, ठीक है, ब्रोमीन को अगर मैं M मान लेता हूँ, ठीक है, तो अब ब्रोमीन 81, अब उसके आइसोटोप की पीक बनानी है, तो आइसोटोप की पीक तो छोटी ही होती है, ये बन गए, बना दी मैंने, ये है ब्रोमीन 81, ठीक है, ये ब्रोमीन 81 है। मैंने ब्रोमीन को M माना तो ये पीक हो गई M, ठीक। और ये इसमें अगर प्लस 2 जोड़ दो, ब्रोमीन 79 में प्लस 2 जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? ब्रोमीन 81। तो उसी तरह से इस पीक को मैं क्या लिखूंगा? M प्लस 2, देख लेना, यही होगा। अब इससे अब हम आप यहाँ पे आते हैं, सल्फर की बात करते हैं। सल्फर के 3 आइसोटोप है, सल्फर 32, 33, 34, 3 आइसोटोप है। तो सबसे पहले आप उसकी पीक बनाएंगे जो सबसे ज़्यादा नेचुरल अबंडेंस रख रहा है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि सल्फर की पीक ये है, ठीक, ये है S32 मेरे लिए। फिर मैंने पीक बनाई किसकी? उसके बाद क्या आइसोटोप है? 33 और 34, ठीक है, ये बना लिया। अगर सल्फर 32 है तो इसको अगर मैं M मानता हूँ, ठीक है, तो सल्फर 33 को क्या मानूंगा? M प्लस 1। अगर ये M है तो ये क्या होगा? 32 प्लस 1, इसके मॉलिक्यूलर मास में अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो 33 मिल जाएगा और इसको M प्लस 2 बोलेंगे, ठीक है। तो ये वाली पीक है M प्लस 2 और ये वाली पीक है M प्लस 1, ये हुआ बराबर। अब ये आप देख रहे हैं ये पीक, ये इनकी हाइट ऑलमोस्ट सिमिलर है इन दोनों की, क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा, मतलब एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड किया गया है कि इन दोनों का जो प्रोपोर्शन होता है वो लगभग सेम ही होता है सैंपल में, इसलिए सल्फर की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि उनकी आइसोटोपिक पीक लगभग सिमिलर होती है। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि ये इसकी मौलिक जो मेन सल्फर है उसकी हाइट को भी मैच कर जाती है, ऐसा भी पॉसिबल है। अब आगे देखिए, अब हमारे पास है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की पीक बना लेता हूँ मैं, O16, ठीक है, उसका आइसोटोप O18। इफ ये M है तो ये M प्लस 2 है। उसी तरह से अब कार्बन की बात करते हैं, C12 और C13, ठीक, ये रही C12 की पीक, M तो C13, M प्लस 1, इसी तरह कुछ होगा, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ये है M प्लस 1, ये है M, ये M प्लस 2, M, M, M प्लस 1, M प्लस 2, M और M प्लस 2, ठीक है, ये M प्लस 1 है, देखिए, देख लिया। तो ये जो हमने सीखा ये क्या है? आइसोटोप स्टीरियोटाइप। अब स्टीरियोटाइप मतलब डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स, मतलब यह कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप हमें आइसोटोप स्टीरियोटाइपिंग फिनोमिना शो करते हैं, मतलब अलग अलग उसी आइसोटोप उसी स्पीशीज की डिफरेंट डिफरेंट पीक्स, और आइसोटोप स्टीरियोटाइप के कारण ही मिलती है हमें सिग्नेचर पीक्स, आइसोटोप स्टीरियोटाइप से हमें मिलता है
सिग्नेचर पीक्स, सिग्नेचर पीक्स हमें मिल जाती है। अब देखिए ये आइसोटोप स्टीरियोटाइप का मतलब फिर समझाता हूँ। जैसे ये नॉर्मल ऑक्सीजन है और उसका आइसोटोप है, तो नॉर्मल ऑक्सीजन की पीक तो होगी ही, उसी के साथ साथ अगर स्पीशीज़ में अगर ये वाला ऑक्सीजन भी होगा तो उसकी पीक भी होगी। तो दोनों पीक तो है ऑक्सीजन की, लेकिन स्टीरियोटाइपिंग यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। जैसे ही स्टीरियोटाइपिंग प्रेजेंट होगी तो हमें सिग्नेचर पीक्स मिल जाते हैं। सिग्नेचर पीक, सिग्नेचर मतलब क्या, हर एक इंसान का अपना यूनिक सिग्नेचर होता है, तो हर एक पीक अपने आप में एक यूनिकनेस रखती है, ये भी आप देख लेना, ठीक है। तो आपने, आपको ये समझ में आ गया होगा और आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।